डिस्कस करेंगे ये अवक्षित आईसीटी सब्जेक्ट पर, जो कि पहले चैप्टर से बनाई गई है। चैप्टर का नाम है लोगों की सहायता से प्रोग्रामिंग करना। यहाँ पे देखिए पहला जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र आपको दिखा रहा है कि जो टर्टल आर्ट का इन्वायरमेंट है वो कैसा दिखता है और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन मेन्यू ऑप्शन है, ये जो आपको दिखा दे न्यू ओपन सेव, ये मेन्यूज है। न्यू से कोई नई आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते, नई विंडो ओपन हो जाएगी, आप कोई भी नई सेव बना सकते हो। ओपन से आप पहले से बनाई हुई किसी भी आकृति को ओपन कर सकते हो। सेव से आप उसको कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रख सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कैटेगरी का, यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखाई देगी, टर्टल, पेन, नंबर्स, माई ब्लॉक्स, ये सब कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज में ब्लॉक्स डिवाइडेड है, ठीक है बच्चों। फिर ब्लॉक से देखो, ये ब्लॉक्स की कैटेगरी है, इन ब्लॉक्स को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और ये अरेंज हो जाते हैं। फिर रन कमांड के थ्रू, जैसे रन लिखा हुआ है, इनको रन कर सकते हो। फिर कॉपी, कट कॉपी, हेल्प, अंडू रीडू, हाइड एंड हाइड, स्टॉप, इरेजर, ये सब हेल्पिंग टूल है। इनकी सहायता से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपको टर्टल दिखाई दे रहा है, ये सब स्क्रीन है, बीच वाली स्क्रीन है, ठीक है बच्चों। ये एनवायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टर्टल आर्ट में हम लोगो कमांड को ब्लॉक्स के रूप में पाएंगे। बच्चों ये सेवन्थ क्लास की वर्कशीट है, इससे पहले हमने सिक्स्थ क्लास की वर्कशीट की होगी जहाँ पर लोगो कमांड्स होती थी। अब वहाँ पर आपको कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ब्लॉक्स मिलेगा, ब्लॉक्स को अरेंज करना है। इन्हीं ब्लॉक्स को आपस में क्रम यानी सिक्वेंस में लगा कर आप जटिल से जटिल आकृतियाँ और पैटर्न बना पाएंगे। बचपन में आप सबने जिग-जैग पजल्स खेली होगी, ठीक है, जहाँ पे आप ब्लॉक्स को अरेंज करके कुछ बना देते थे, ठीक है ना। इसी तरह आप इन्हीं ब्लॉक्स को यहाँ पे स्क्रीन में लगाकर एक अच्छी सी शेप या पैटर्न बनाओगे। अब देखिए कार्य पूरा करने के निर्देशों के सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखो प्रोग्रामिंग की परिभाषा क्या होती है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको सिक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको रन करता है, तो उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये भी प्रोग्रामिंग का हिस्सा ही है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, स्क्वायर बनाना है। अब ब्लॉक्स को अरेंज करना है और स्क्वायर बनाना है। देखो अब कैसे बनेगा ये बच्चों, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर ये टर्टल आर्ट का एनवायरनमेंट है। ये जैसे ही कमांड को आप रन करोगे, यहाँ रन नहीं की गई है, परंतु जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे इसके थ्रू, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बना देगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे ये जो ब्लॉक्स हैं इतने, ये क्या काम करेंगे बच्चों, ये काम करेंगे ये बॉक्स बनाने के लिए। देखो फॉरवर्ड 100, टर्टल आर्ट यहाँ है, देखो टर्टल कहाँ है, यहाँ है। अब पहली कमांड एग्जीक्यूट हुई, फॉरवर्ड 100, ये गया यहाँ पर, 100 जो है पिक्सल आगे बढ़ गया। फिर राइट 90, ये राइट में मुड़ गया। फिर फॉरवर्ड गया 100, फिर यहाँ गया, फिर मुड़ गया, फिर आगे गया, फिर मुड़ गया, फिर आगे गया। तो ये सभी कमांड चलने के बाद ये बन जाएगा। अब जैसे ऊपर रिपीट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो ये सारी कमांड चार बार चलेगी, यानी एक बार चल गई, फिर दूसरी बार यहाँ से चल जाएगी, फिर तीसरी यहाँ से चल जाएगी, फिर चौथी यहाँ से चल जाएगी, मतलब ऐसे इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो इस गतिविधि को करने के लिए ठीक है यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। जैसे आप इस लिंक को अपने ब्राउज़र पे डालते हो, तो जो ये टर्टल आर्ट का सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक्स यूज हुए, फॉरवर्ड, राइट, रिपीट, इस तरह के ब्लॉक्स हमने अभी यूज किए हैं। अभी यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन क्या है, टर्टल आर्ट में ब्लॉक्स को सही क्रम में जोड़कर आप शेप और पैटर्न बना सकते हो। कार्य पूरा करने के निर्देशों के सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम, हिंदी में आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये दो ही क्वेश्चन थे, ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।